गिर जाने के कारण उसके मस्तिष्क में चोट आ गई और चोट आ जाने के बाद
वो सब कुछ भूल गया, न उसको माँ की पहचान, न पिता की पहचान, न बंधु की पहचान, न सखा की पहचान, किसी से उसको, किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसको अपना नाम भी पता नहीं, नाम की भी पहचान नहीं। सोचा कि भाई व्यवहार चलाने के लिए तो नाम चाहिए, उसका कोई नया नाम रख दिया, तुम्हारा नाम डब्लू है, बबलू है। अब उसकी इतनी निष्ठा हो गई कि अपने को बबलू ही मानने लगा। अब उसको याददाश्त को आ गई, बहुत चीजों को पहचानने लगा, किंतु उसको उस नाम से इतनी प्रीति हो गई कि कोई कहता था तुम्हारा नाम क्या है, डब्लू नाम है, बबलू नाम है। अब जरा आपसे हमारा प्रश्न है, आप सबसे, वो जो पहले था मनु राम प्रकाश नाम था, अब उसको राम प्रकाश में हूं, इसको मानने में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? आप कहोगे कि उसको याददाश्त आ जाए तो जरूरत है, या कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिस पर उसकी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास हो। तो यदि वो कह दे कि तुम राम प्रकाश हो तो राम प्रकाश मान लेगा, और तो कोई साधन है। ऐसे हम आप सब, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सच्चिदानंद न हो। सब सच्चिदानंद है। अच्छा, गधा को गधा क्यों कहते हो? एक तो उसकी संज्ञा है, और उसकी संज्ञा होने के साथ साथ वो एक धारे में चल जाता है, जो उसको कह दो परिवर्तन नहीं चाहता। अच्छा, उसको यदि भ्रांति हो जाए कि हम बंधे हैं, तो बंधे न होने के बाद भी अपने को बंधा मानता है। अच्छा, जरा आप लोग बताओ, कोई ताले के अंदर हो तो हम ताला खोल कर कह सकते हैं तो मुक्त हो, और वो मुक्त हो गया। किंतु जो मुक्त है और अपने को बंधन युक्त मानता है, तो उसको मुक्त करने का क्या साधन है? उसकी मान्यता ही मिटानी पड़ेगी, और कोई साधन नहीं। जब तक वो ये मानेगा नहीं कि मैं मुक्त हूं, तब तक वह मुक्त हो नहीं सकता है। कई बार भ्रांति हो जाती है, आपने कभी सुना होगा, हमारे आगरा में वृंदावन के पास में पागलखाना है, पहले भारत का सबसे बड़ा पागलखाना वही था आगरा में। भारत के जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध पागल होते थे वही रखे जाते। तो जवाहरलाल जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, तो उनको लगा कि आगरा आए हैं तो चलो पागलखाना देख रहे। पागलखाना देखने गए तो एक पागल, बिल्कुल कपड़े पड़े अच्छे पहने हुए, व्यवस्थित बैठा था। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि श्रीमान जी आपका नाम क्या है? पागल तो पागल ठहरा, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू मुझे कहते हैं। बहुत हंसा, बोले हंस क्यों रहे हो? बोले सही जगह पर आए हो, पहले मैं भी अपने को यही कहता था। अभिप्राय क्या हुआ? उसका नाम कुछ और था, उसको भ्रांति हो गई,
कि मैं जवाहरलाल नेहरू, वो भ्रांति के कारण उसको पागलखाना पहुंचना पड़ा। तो कहा ठीक हो जाओगे, कुछ दिन के बाद यहीं रहो। तो हम लोगों को एक सबसे बड़ी भ्रांति हो गई है कि हम दुखी हैं, हम मर जाएंगे, हम अज्ञानी हैं। तीन प्रकार की भ्रांति है, हम दुखी हैं, हम मर जाएंगे और हम अज्ञानी हैं। जब तक ये तीन भ्रांतियां आपकी नहीं मिटेंगी, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति भी, साक्षात भगवान भी आ जाए, श्री कृष्ण आ जाए, राम आ जाए, गणेश जी महाराज आ जाए, भगवान शंकर आ जाए, तब तक आपकी दरिद्रता मिटाई नहीं जा सकती है, दुख मिटाया नहीं जा सकता है, आपका भय मिटाया नहीं जा सकता है, आपको सुखी बनाया नहीं जा सकता है। अगर इनके मिलने पर सुख दुख मिट जाते होते, दुख मिट जाते होते, तो आप ईमानदारी से बताओ, मैं किसी की श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, मैं आस्तिक हूं, शास्त्र मानता हूं, आप इसको गलत अर्थ मत लेना। दशरथ जी को राम जी मिले कि नहीं मिले, किंतु तब भी दुखी रहे। कैकेयी को राम मिले कि नहीं मिले, दुखी थे। अच्छा, एक दो दिन के लिए नहीं मिले। अब कौशल्या मैया की तो गोद में तो खेले ही, छाती से टक्कर दूध पिया, गर्भ में भी रहे, अब इससे ज्यादा तो कोई साधारण हो नहीं सकता है। जो भगवान निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है, वो गर्भ में रहा, छाती से लगकर दूध पिया, गोद में खेला, किंतु उनकी भी दरिद्रता नहीं मिट पाई, उनका भी दुख नहीं मिट पाया। भाव राज्य में हम कुछ भी कहें, किंतु विचार राज्य से तो विचारना पड़ेगा। और जो स्वयं सत्य स्वरूप है, वह आप विरह में मर गए। तो आप कहोगे कि फिर करना क्या है। अब सबसे पहली जो भ्रांति है ना हमारी आपकी, वो भ्रांति ये है कि हम मर जाएंगे, मरने वाले हम। दूसरी भ्रांति यह है कि हमको कुछ आता जाता नहीं। तीसरी भ्रांति यह है कि हम दुखी हैं, कोई हमको सुखी बना दे, पत्नी बना दे, परिवार वाले बना दे, बच्चे बना दे, पैसा बना दे, घर बना दे, हमको सुखी। अच्छा, ये भ्रांति के कारण गड़बड़ी क्या हुई, इसको थोड़ा समझोगे तो आपको बिल्कुल आनंद आएगा, और विवेक करना, विचार करना। मैं जो कह रहा हूं आपको अंधा मानना नहीं है, क्योंकि अंधा मानोगे तो आज मैं कुछ कह के जाऊंगा वो मान लोगे, कल दूसरा कुछ कह जाएगा वो उसकी मान लोगे, तीसरा कल कोई कहेगा उसकी मान लोगे। तो मैं आपको अंधा विश्वास के आधार पर बनवाना नहीं चाह रहा हूं। आप स्वयं अपना विचार करके देखो, जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उससे उसका उधर खिंचाव होता है, आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर। ब्याज से आप चाहे कुछ भी नाम रख दीजिए अलग, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है जब तक वो शरीर में रहता है जीव, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, जहां जहां जीवन है, उन सब की तीन ही चाहत है, चौथी चाहत किसी की नहीं।
और तीन के आधार पर ही पूरा जीवन बीत जाता है हमारा, उसी की दौड़ में। इसको आप अनुभव कर लेना। एक तो हमको जीवन की चाह है, जो जीवन की चाह है उसका नाम है सत्य की चाह। और ये चाह ऐसी है कि हम सदा रहना चाहते हैं, कोई मरना वरना नहीं चाहता। दूसरी जो हमारी सबकी चाहत है, हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं। अब छोटे से बच्चे से देखो कितना सीखना चाहता है, हर नई चीज को पकड़ता है, हर नई चीज के बारे में जानना चाहता है। यही खोज हमको कहां तक ले जाती है। इस खोज के कारण हम कक्षा एक से MBA करते, BMA करते हैं, फिर PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये जान की चाहत तो है, जानकारी की इच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और तीसरी जो इच्छा सबकी है, सब सुखी बनना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं बनना चाहता। तो पहले तो अपनी चॉइस पहचानना चाहिए कि चाहत क्या है। अच्छा, जितनी चाहत है इसी के अंदर है। आप बेटे को क्यों चाहते हो, कभी प्रश्न पूछना, बेटे को हम क्यों चाहते हैं? बेटा है इसलिए या बेटी है इसलिए? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छूने में उसको सुख मिलता है, उनकी तोतली भाषा सुनने में उनको सुख मिलता है। वो धीरे धीरे मम्मी पापा कह के पुना पुकारने लगते हैं, तो उसमें हमको सुख मिलता है, इसलिए हम बच्चों को चाहते हैं। और मानो वर्तमान में सुख ना भी मिल रहा हो तो भविष्य में आशा होती कि सुखी बना देगा। अभी तो नहीं सुख दे रहा है। कई माँ बाप के बच्चे नालायक होते हैं, तभी वो सहते, तो पूछते क्यों सहते हो, बोले ये तो नालायक है, शायद इसका बेटा हो जाए तो वो अच्छा लायक निकल जाए, वो हमको प्रेम करे। तो भविष्य में प्रेम की चाहत है कि सुख की चाहत है? अच्छा, ईमानदारी से आप लोग सोचना, पत्नी को हम क्यों चाहते हैं? पत्नी इसलिए, अगर पत्नी इसलिए हम लोग चाहते होते तो दुनिया में कभी तलाक होते नहीं, दुनिया में कभी पति पत्नी में झगड़ा ही नहीं होता। पत्नी को हम इसलिए चाहते हैं कि पत्नी हमको सुख देती है, भोजन अच्छा बना के दे, हमको शारीरिक सुख दे, हमारे मन के आधार पर व्यापार करे, इसलिए पति को चाहते हैं। ये पत्नियां क्यों पति को चाहती है कि तुम परमेश्वर हो, तुम भगवान हो, कि तो वर्तमान में सुख है नहीं तो भविष्य में आशा है। हमारे यहां संस्कृति में समझाया जाता है बच्चियों को कि पति परमेश्वर होता है और पति की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है, पति लोक मिलता है, सदाचारी रहने से, पतिव्रत धर्म पालन करने से सती हो जाती है व्यक्ति, बहुत सुख मिलता है। तो की तो वर्तमान में सुख, की तो भविष्य में सुख की आशा है। एक भी आप उनको संबंध बता दीजिए, आप कहो कि भाई बच्चा हमको, आप जरा विचार करो, बच्चा हमको इसलिए प्रिय कि हमारे शरीर से पैदा हुआ है, हमारे शरीर काल से इसलिए हमको बच्चा प्रिय है। आप ये कहो यदि, तो शरीर से तो बहुत चीजें पैदा होती हैं, कहां उनको प्रेम करते हो? शायद आप लोगों किसी को जुआ हुए हैं कि नहीं, जुआ होते हैं कि नहीं माताओं को? अच्छा, होते हैं तो अपनी खोपड़ी से पैदा हुए हैं कि नहीं? उनको काहे को मारते हो? क्योंकि वो सुख नहीं देते अपने को, कष्ट देते। इसका अभिप्राय यह है कि निश्चित रूप से हमको प्रेम व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति से बिल्कुल प्रेम नहीं है हमको, प्रेम उससे हमको अपने से। हमको जो सुख देता है हम उसके पीछे भागते हैं, कि तो वर्तमान में कि तो परिणाम में। कामना हम सबकी सुख की है। अब चाहते हम सुख हैं, चाहते हम ज्ञान हैं,
चाहते हम जीवन हैं और उस चाहत में हम गलत रास्ते में चले गए, जहां नहीं है वहां से चाहने लगे। अब की तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए अपने को जिस पर आप पूर्ण विश्वास रखते हो, पूर्ण श्रद्धा रखते हो। मैं आपको सच कह रहा हूं, ना माला जपने की जरूरत है, ना ध्यान लगाने की जरूरत है, ना कोई जन्म कर्म करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका केवल गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो आप मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त ही रहोगे। ये सारी चीजों की जरूरत इसलिए है कि हमको पहले विश्वास और श्रद्धा आए। हमारे जीवन में श्रद्धा है नहीं। ये सब क्यों करते हैं हम? पूजा पाठ ध्यान क्यों करते हैं हम? इससे हमारी श्रद्धा बने, और जब तक श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक बार बार जन्मते रहोगे, बार बार भरते रहोगे, बजा बार बार भटकते रहोगे। ये तीर्थ इसलिए हैं कि वहां जाने से आपकी श्रद्धा बने, महात्मा भी इसलिए हैं कि वहां जाने पर आपकी श्रद्धा बने, मंदिर भी इसलिए हैं कि आपके जाने की श्रद्धा बने। आपको श्रद्धा बनानी है। अब श्रद्धा आप कैसे बना पाते हो आपके ऊपर है। पेट भरने के लिए जैसे रोटी बनानी ना, अब बेलन से बेल कर रोटी बनाओ, चाहे हाथ से आप ऐसे ऐसे करके रोटी बना लो, चाहे उसको दबा दबा करके लंबा कर लो, अब किस विधा से उसको बेलते वो तुम्हारे ऊपर है। कहां कौन सी चीजें उपलब्ध हैं उसके आधार पर। हमने तो माताओं को बड़े अलग अलग ढंग से, अब उनको बेलन नहीं मिलता है तो पाइप से ही रोटी बेल देती। हमने कई माताओं को देखा, पर नए मकान में गए थे किसी के यहां तो बेलन था ही नहीं, आटा तो गया है, पात्र नहीं थे, तो वहां काम हुआ था तो पाइप पड़ा हुआ था, तो माता जी पाइप धोकर के लाई और उसे बेल लिया। हम देखे, हमने कमाल। अच्छा, पहले जब लोगों को क्या होता था, पहले नीचे बैठ के भोजन बनाते थे तो फर्श साफ नहीं होती थी, उसके लिए चकला रखना पड़ता था। अब वो खड़े खड़े बनाते तो चकला का काम ही समाप्त हो गया, ऊपर पत्थर लगा हुआ है उसी में आटा ऐसे ऐसे कर लिया, चकला कहाँ रखते हैं। अब कोई कहे चकला में ही बनाना चाहिए, अरे पेट भरने से काम है, आप चकला से बना लो, चाहे हाथ से बना लो, ऐसे आपकी श्रद्धा कैसे बनती वो आप बना लो। और श्रद्धा बनाने के लिए ही आपको बताएं सारे शास्त्र, क्योंकि ऐसा हमारा अभ्यास हो गया है, ऐसा अभ्यास हो गया है। और आपको एक बात और बता दें, बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई दुनिया का माई का लाल भगवान को भी कहे, भगवान भी तुमको सुखी नहीं बना सकते। आपको कहीं ना कहीं श्रद्धा विश्वास से जुड़ना पड़ेगा। आज जो हम लोग दुखी घूम रहे हैं क्योंकि उनको अपनी आंखों पर विश्वास है, अपनी बुद्धि पर विश्वास है, अपने अनुभव पर विश्वास है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं, और वही कारण है कि हम लोग ठगे जाते हैं। आप शास्त्र पर विश्वास करें, और सांस पर ही विश्वास करेंगे तो आपके आपके जीवन में सच्ची श्रद्धा जगेगी। श्रद्धा जगाओ। अच्छा, एक बात आपको बताएं, किसी स्त्री का गर्भाशय ना हो, पति स्वस्थ है, पत्नी भी स्वस्थ है, उससे बच्चा हो पाएंगे? कौन डॉक्टर उसको बच्चा दे देगा? हमारे यहाँ एक बच्ची है, हमारे संपर्क में है, इतनी योग बेहद पढ़ी लिखी है। एक दिन मेरे पास आई, हमारे से दीक्षा ली,
तो हमने कहा कि तो ब्याह क्यों नहीं करती, मन नहीं है क्या? तो रोने लगे, बोले मन तो है किंतु कोई हमारे साथ करता नहीं, आपके पास कोई हो तो ब्याह करा। तो हमने कहा क्यों नहीं करता, तो पढ़ी लिखी है इतनी सुंदर है। तो बोले आपके पास हो तो करा दो। तो हमने कहा क्या गड़बड़ क्या है बता दो सही। उसने कहा हमको गर्भाशय ही नहीं हो, जहां जहां हमारी चर्चा हुई तो हम बता देते हैं कि भाई गर्भाशय नहीं। तो कहते हमको चाहिए। ऐसे ही अब ना तो कोई डॉक्टर गर्भाशय में कुछ गड़बड़ी हो तो औषधि से ठीक किया जा सकता है, पुष्पिता होने में कोई गड़बड़ी हो तो दवा दी जा सकती है, किंतु वही नहीं तो क्या करोगे? ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का सीधा साधा अर्थ है, श्रद्धा में ज्यादा चीजें नहीं है। सत धा, धा माने धारण करने वाली, सत जो सत ज्ञान है उसको धारण करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम श्रद्धा है। अब सत धारण करने का सामर्थ्य नहीं आप में, आप सत्संग खूब कर लो, सब जगह जाओ, जब तक वो वृत्ति नहीं बनेगी आप तक, तब आप सत्य को स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा कि कोई बंधन युक्त हो उसका बंधन छोड़ना सहज है, किंतु कोई बंधन युक्त है ही नहीं है, बंधन हो सकता ही नहीं है, बंधन त्रिकाल में भी नहीं है। कोई माई का लाल बता दे कि हमको बंधन है, बंधन ही नहीं, बंधन हो सकता भी नहीं, किसी आधार पर नहीं हो सकता। अब हमको झूठ मूठ का बंधन स्वीकार हो गया है कि मैं बंधन युक्त हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूं। अब इससे कैसे भ्रांति मिटे? कोई जिंदा व्यक्ति हो बता दे भाई, अच्छा हमको एक व्यक्ति बता दो जो मरा हो, हमको एक व्यक्ति बता दो जो मरा हो तो हम जान जाएं कि दूसरा भी मरता है। आप कहोगे हमारे बाप दादा मर गए, हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप मर गए, तो मर गए तो फिर पिंडदान क्यों करते हो, किसके लिए? मरे हुए के तो पिंडदान क्या जरूरत है? सारे शास्त्र कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। जन्म शरीर का मृत्यु, शरीर का जन्म है। अच्छा एक बात, आप सबसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आज से जो 20 साल पहले कपड़ा पहनते थे, मैं कोई शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहा, सद्वार्ता कर रहा हूं, जो भी आपके परिधान में हो, जिस परंपरा में हो, धोती हो, कुर्ता हो, पैंट हो, शर्ट हो, लहंगा हो, चुनरी हो, जो भी हो, तो यदि वो फट गया तो तुम मर गए, खो गया तो तुम मर गए, आज वो हमारे पास नहीं तो हम मर गए। ऐसी ना समझी, ऐसी ना समझी, आपको क्या कहें, कपड़ा फटने पर हम मर गए, गाड़ी टूटने पर हम मर गए, ये बिल्कुल बिल्कुल ना समझी है। आज इतनी भ्रांति है लोगों को, सबसे बड़ा तो रोग आजकल लोग ये लगा है कि हमको लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे तुमको भाई, ये शरीर को तो सब शास्त्र गाली देते हैं, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं जो शरीर को गाली न देता हो, सड़ने वाला मानते हैं। अच्छा इसमें है क्या शरीर में? आपके हमारे कोई बहुत दिव्य पदार्थ तो नहीं बना, किसी का शरीर आज तक हमको सोने वाला तो नहीं मिला कि भाई ये सोने का शरीर है, इसमें दुर्गंध नहीं आएगी। चाहे कितना अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, सबके शरीर से दुर्गंध आएगी, क्योंकि दुर्गंध का संबंध मिट्टी से है, तो इसमें मिट्टी लगी, जहां मिट्टी सड़ेगी दुर्गंध आई, जहां पदार्थ सड़ा दुर्गंध आई, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है।
ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। जितने बड़े बड़े असुर हुए, रावण है, शिशुपाल हैं, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप हैं, मधु है, कैटभ है, ये सबको भ्रांति थी। जैसे अभी आपको भ्रांति है कि मैं मनुष्य हूं और मेरा ये नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरा दायित्व है, ये भ्रांति है। ऐसे इन लोगों को भ्रांति हुई और वो भ्रांति बड़ी खतरनाक थी। उनको ये भ्रांति थी कि मैं मरूंगा नहीं, बात यथार्थ थी, किंतु मैं को उन्होंने अपने शरीर को मैं मान लिया। अगर इस वेदांत विद्या को आप अपने शरीर को मैं मान लोगे कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप हूं, तो मैं माने ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं हमारा, ना आपका, किसी का नहीं। कई बार क्या होता है, मैं माने लोग सत्संग तो जाते हैं, तो मैं की जहां चर्चा होती है वहां मैं माने ये शरीर मान लेते हैं और फिर सारे कर्म धर्म सब छोड़ देंगे। मैं मुक्त हूं, भजन की क्या जरूरत है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तो ये मैं क्या आपका शरीर में है, अगर आपने अपने शरीर को मैं माना तो फिर खाने की क्या जरूरत है, फिर सोने की क्या जरूरत है। शरीर के गुण धर्म जो व्यवहार के आधार पर उसके होंगे, आपको अपने मन से मानना है, क्योंकि बंधन शरीर का नहीं है, बंधन मैं का मन का है, शरीर का बंधन है ही नहीं। अच्छा, शरीर में क्या मान सकते हो आप, आकाश को बांध नहीं सकते, वायु को बांध नहीं सकते, अग्नि को बांध नहीं सकते, जल भी थोड़ा ध्यान दो तो अवकाश मिलेगा निकल ही जाएगा, जल को बांध सकते हो आप, लोग शंका लगे तो भागना ही पड़ेगा, बांधो भाई, हमने पिया इतना प्यारा जल है, जीवन देता है, अब निकलने नहीं देंगे इसको, जल को बांध सकते नहीं हो, ये पृथ्वी को बांध सकते हो, जो पृथ्वी अंश भोजन आदि करते हो ना निकालो, हलवा खाओ कहो भाई बहुत बढ़िया, नहीं निकालूंगा, मर जाओगे। बंधन है किसका, बंधन केवल मान्यता का है और उसका कोई बंधन है नहीं। और मान्यता का बंधन हमने दूसरे नहीं डाला, ध्यान रखना, हम ही सुख की अभिलाषा में डाल रखी। ये भ्रांति है कि हमको किसी ने पकड़ रखा है, ये भ्रांति है कि हमको लोग बहुत प्रेम करते हैं, ये भ्रांति है हमको कि हमारे बगैर काम नहीं चलेगा, ये सब भ्रांतियां हैं। किसी के बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है और सब अपने ढंग से चल रहा है। और आप अपने को बंधन मुक्त मानने के बाद भी कोई संसार में आपका काम रुकेगा नहीं, और इसमें कहीं विरोध भी नहीं है। आप अपने को मुक्त मानो, इसमें कोई विरोध है क्या? अच्छा, मैं मुक्त हूं तो क्या विरोध है? विरोध पता है कहां होता है? जहां भी घर में, अब आप शरीर का सुख कहो कि हम ब्रह्म हैं, तो दूसरे के सुख का ध्यान न रखो, अपने सुख का ध्यान रखो, विरोध होगा भाई। दूसरों को समय से भोजन चाहिए, हम ब्रह्म हैं तो भोजन चाहिए, तो समय से वार्ता भी चाहिए लोगों के लिए। ये गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, केवल गुण गुण में वर्त रहे हैं, केवल आपको देखने की जरूरत है। आप न कर्ता बनो न भोक्ता बनो, केवल दृष्टा बनो, न संकल्प करो न विकल्प करो, न कुछ अच्छा समझो न कुछ बुरा समझो, न किसी को रोको और न किसी को प्रवृत्त करो। आप देखो इतने आनंद में रहोगे, इतने में आनंद में रहोगे, कुछ पूछो नहीं।
व्यवहारिक बात कोई अपने से पूछने आए, व्यवहारिक बात जो सही लगे बता दो, और आग्रह भी न हो कि कोई माने, अरे झूठे संसार में ऐसा कि ऐसा, ये जो संसार सत्य मान रहे हैं उनके लिए भाई बता दिया गया कि ऐसा करो भाई, लोग ऐसा मान रहे हैं, तेरी मौज हो तो मान, न मौज हो तो न मान। आप अगर इस प्रकार से जीने लोगो, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। आपको एक रसीली बात बता रहा हूं, भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, सब पर। खेलने के लिए जागृत है और स्वप्नावस्था है, ये दो बहुत बढ़िया प्ले मैदान है, खेलने के मैदान है। और एक स्थान सोने का है, सुसुप्ति वाला, सोने का भी स्थान होना चाहिए, खेलने का भी होना चाहिए। अच्छा, स्वप्नावस्था में तो बड़ा बढ़िया खेल है वो, कभी आप मोबाइल पर गेम खेले हो कि नहीं, बच्चे खेले होंगे, गेम खेलते मोबाइल पर, तो जो गेम खेला जाता है मोबाइल पर मैच भी खेल लेते हैं। मेरे बच्चा खेल रहा था तो हमने कहा चलो मैं भी खेलता हूँ, खेला उसके साथ, बड़ा आनंद आया। अच्छा, क्या हुआ उसको खेलने में आनंद क्यों आया? उसमें बॉलिंग भी अपने को करना है, बैटिंग भी अपने को करना है, रेफरीगिरी भी अपने करना है, कैच भी अपने लेना है, एक ही वन मैन शो है जी, सब कुछ अपने को ही करना है। पार्टी भले दो बनी है वहां, किंतु मोबाइल तो अपने ही चला रहे हैं ना। तो ये जो स्वप्नावस्था है, हमको जब जब मैं खेल रहा था ना मैच, उसमें बड़ा आनंद आया, हमने कहा यही तो स्वप्नावस्था है, हमारा मन ही तो सब कुछ बनता है, यहां उसमें कुछ हो नहीं, मोबाइल के अंदर कोई बैट घुस गया है क्या, कि बॉल घुस गया है, कि रेफरी घुस गया, उसके अंदर कुछ घुसा ही नहीं, कमाल की बात है सब कुछ। आप कभी देखना बच्चे गेम खेल रहे हो ना छोटे छोटे, मैं देखता हूं इतने महाराज आनंद, जीतते हैं इतना खुश होते हैं और उछलने लगते हैं, जीत गया जीत गया जीत गया, सोचते क्या मिल गया, कुछ आई नहीं जी, है कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं है, केवल उसके साथ तादाद में हो जाता है उनका, वो जीत उनको जीत लगती है, वो हार अपनी हार लगती है, वो छोटे से के। अब इससे बढ़िया प्रत्यक्ष हम और क्या दे सकते हैं? तो जब मैं उसमें जीत रहा हूं, कहा वाह जी वाह, काम तो बढ़िया, जीत भी रहे, अच्छा हार भी रहे, जीतते भी हारते भी, ऐसे स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था का जो खेल है, मन ही सब कुछ बनता है, मन ही सरोवर बनता है, मन ही नाव बनता है। अच्छा, कभी कभी भगवान करे आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को कभी होता है कि नहीं, मुझे तो होता है। मैं तो आज भी ट्रेन में एक स्वप्न देख रहा था, ट्रेन में। अब स्वप्न क्या था कि अभी एक जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान का शरीर पूरा हो गया, तो दूसरे शंकराचार्य बनाए गए। अब मैं उस पार्टी में था नहीं, ना बनाने वाली पार्टी में ना था बनने वाली पार्टी में, दोनों में नहीं, लेकिन तो पता नहीं क्या संस्कार रहा होगा जीवन का था, क्योंकि तो हमको शंकराचार्य बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, तो कई दो तीन साल से वो प्रयास चल रहा था, तो शायद कोई संस्कार रहा होगा हमारे दिमाग में। हो मैं निकाल रहा था कि नहीं हमको शंकराचार्य नहीं बनना है, हमको कुछ बनना ही नहीं है, तो शायद को संस्कार रहा होगा। तो मैं स्वप्न क्या देख रहा हूँ कि वो जो शंकराचार्य जी हैं जो चले गए हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि स्वामी जी वो शंकराचार्य जो दूसरे वाले बने वो ठीक नहीं है। तो हमने तो कहा आप तो चले गए थे, स्वप्न में कह रहा हूँ मैं, आप चले गए थे तो आप सलाह कैसे दे रहे हैं? फिर बाद में मैं स्वप्न में देख रहा कि मैं भी तो स्वप्न देख रहा हूँ, हमको उस समय लगा कि तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न में स्वप्न का भ्रम हो जाना। तो जैसे मुझे लगा कि तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो हमने कहा अच्छा अच्छा ये मेरी ही वासना आदि शंकराचार्य बन के बैठी है, ये जितने लोग दिखते हैं सब हमारी वासना है, कभी हमारी कल्पना थी ना। मैं जगा तो खूब हंसने लगा, फिर मन में आया कि बहुत दिन से ये सब मरे मरे लोग दिखाई पड़ रहे, स्वप्न में बहुत दिन से
जितने साधु चले गए हमारे लगभग किसी न किसी रूप से हमको मिलते हैं। ट्रेन में जगह तो हमने कहा, फिर हमने सोचा कि कोई जाने वाला है क्या, हमने कहा जाएगा कौन जब है ही नहीं कोई। मैं हंसने लगा बैठ कर लिए अपने ट्रेन में बैठे बैठे। तो जैसे ये घटना घटती, हम चाहते हैं आपके जीवन में घटना घटे कि स्वप्न में आपको लगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसे जागृत में भी लगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। कि जागृत भी दीर्घ स्वप्न है, ध्यान रखना। स्वप्न जगत के ब्रह्मा हम हैं, मन है हमारा, और जागृत जगत के ब्रह्मा दूसरे हैं। किंतु जैसे हमारा मन बिना मटेरियल के सब कुछ बनाकर तैयार कर देता है, ऐसे ब्रह्मा भी बिना मटेरियल के सब कुछ बना के तैयार कर देता है। ये बात बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना सत्संग के समझ में नहीं आएगी। अब किसी बच्चे को यदि कहो कि स्वप्न कुछ नहीं है तो मानेगा वो, किंतु जागृत के बाद बड़ा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे आप जागो, जागने के बगैर, अच्छा एक प्रयास एक और करें, आप सबसे हमारी प्रार्थना है दूसरे जागे इसका प्रयास बंद करो, हम जागे। कई बार हम ही बंधन युक्त होते हैं और दूसरों को जगाने के चक्कर में पड़ते हैं। हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, अभी नहीं रहे, मैं उस समय कथा नहीं करता था तो मैं बहुत आनंद लेता था जब उनको कई बार कथा सुनाए। उस समय अपने तो कथाकार थे नहीं, कथा करते नहीं थे, वो महात्मा के पास जाया करते थे। तो वो एक कहानी सुनाते थे, एक पंडित जी भागवत की कथा करते थे, किसी राजा के पास गए और बोले हमारी भागवत सुन लो। तो राजा ने कहा भागवत सुनने से क्या होगा, क्यों सुन लो? बोले भागवत सुनोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और तो बोले तुम सुनाने का क्या लोगे? बोले 11,000 स्वर्ण मुद्राएं ले। तो सुना दो इससे बढ़िया क्या, 11,000 में मुक्ति मिलती होती तो खरीद लेते। समय कितना लगेगा? बोले 7 दिन। उन्हें कहा देखो पंडित जी, 11 के हम आपको 21 देने वाले दे सकते हैं, किंतु हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो हम भाई पैसा नहीं देंगे तुम्हें। अब उन्होंने 7 दिन खूब प्रयास करके कथा सुनाई और 7वें दिन उन्होंने कहा हमको दक्षिणा लाओ। बोले हमको तो मुक्ति मिली नहीं, किसी से मुक्ति नहीं मिली, क्या दक्षिणा तुम? तो अच्छा बोले दोबारा सुन लो। उन्होंने एक बार नहीं 7 बार भागवत सुनाई और राजा भी गजब का, 7 पाई भी नहीं दिया 7 कथा। वो तिलक भी नहीं करता था, माला भी नहीं पहनाता था, दक्षिणा भी न दे। पंडित जी बोले भाई लिखा तो है शास्त्र में कि भागवत सुनने से मुक्ति होती है, तो मैं तो सुना रहा हूं, अब नहीं मिली तो मैं क्या करूं? तो भागवत में लिखा है। तो कहा कि भाई अब हम तो देंगे नहीं दक्षिणा। एक महात्मा थे राजा, उनके पास जाया करता था। वो तो महात्मा के पास गए, बोले हमारा परिवार है और हम 7 बार कथा सुनाए कुछ दिया नहीं। बोले क्यों सुनाया था? बोले मुक्ति के लिए। तो कहा बुलाओ राजा को। राजा को बुला लिया गया, सब परिवार आया, राजा को एक वृक्ष में बांध दिया और पंडित जी को भी एक वृक्ष में बांध दिया। दोनों को बंधे थे तो पंडित जी को कहा पंडित जी राजा को खोलो, राजा बेचारा बंधा हुआ है, खोल दो इसको। उन्होंने कहा पहले मेरे को खोलो, बाद में मैं उनको खोलूंगा। उन्होंने कहा पहले तू मुक्त हो, बाद में इसको मुक्त कर। अरे दीप की चर्चा से अंधकार नहीं मिटता है। तो हम अच्छा एक बात बताओ, दोनों का इसमें बुरा मत मानिएगा, यदि आप अपने को मुक्त मानते हो तो क्या दूसरा बंधन युक्त है? मुक्त की दृष्टि में सब मुक्त है, मुक्त की दृष्टि में सब मुक्त है। वो क्यों प्रयास करेंगे मुक्ति का किसी का? तो कहोगे इतने बड़े बड़े महात्मा लोग फिर सत्संग क्यों करते हैं?
ये सब क्यों इकट्ठा किया जाता है जब महात्मा की दृष्टि से, और महात्मा लोग क्यों कहते हैं अपने को मुक्त मानो, ये महात्मा लोग अपना व्यायाम करते रहते हैं और आपको संस्कार पढ़ते रहेंगे, बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सत्संग इसी का नाम है। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सताम संगा, सत्संगा, जो सत के जानकार महापुरुष है उनका संग। और श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो फिर दूसरा नहीं रहता क्योंकि ब्रह्म है ही। तो जो ब्रह्म स्वरूप महात्मा है उनका संग सत्संग है, अथवा उनके विचारों का संग सत्संग है, उनके जीवन का संग सत्संग है। तो जब हम ऐसे बैठ के कहते हैं तो महापुरुषों के विचारों की चर्चा करते हैं, महापुरुषों के जीवन की चर्चा करते हैं जो ब्रह्म स्वरूप है, इसी का नाम सत्संग है। तो आप धीरे 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 सत्संग करते रहेंगे, आप सत्संग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबके जीवन में या ज्ञान अपने आप होता रहेगा। जैसे जैसे आपके जीवन में बुद्धि की निर्मलता आएगी आपके जीवन में श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ाओ। कैसे श्रद्धा बढ़ती है आपकी? अब देखो जो महापुरुष लोग होते उन्होंने, हमारे महर्षि स्वामी खन्ना जी मरे कि पिताजी बहुत अल्प आयु में मर गए थे, तो उनके बाबा कर्मकांडी थे, छोटे थे, 4-5 साल की उम्र रही होगी, तो उनके हाथ से पितृ पक्ष में पिंड दान करवाने गोपी की बात, तो पूछा कि किसके लिए? बोले पिताजी के लिए। तो बोले उसी दिन हमारे समझ में आया कि पिताजी कहीं हैं, दिख नहीं रहे किंतु हैं, शरीर छूटने के बाद वो गए नहीं कहीं, वो हैं। तो ये उस दिन दिमाग में आया कि मरने के बाद व्यक्ति बना रहता है, तो मरा कहां? ये शरीर छूटा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी माने उसका कभी विनाश नहीं होता, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल माने कोई मल नहीं है। आप जरा विचार करो, मैं कई बार विचार करता हूं बैठे बैठे, मल माने गंदगी, मल माने पाप, मल माने गंदगी, मल माने पाप। आकाश में मल रुक सकता है? न सुगंध न दुर्गंध, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं रखता। वायु में मल रुक सकता है? नहीं रुकता। जल में मल रुक सकता है? वो भी नहीं रुकता, थोड़ी दिन वो भी निर्मल हो जाता है अपने आप। तो जब इनमें मल नहीं रुक सकता है तो आत्मा तो इनसे ज्यादा सूक्ष्म है, आत्मा में मल कहां होगा? अच्छा मल कहां होगा जरा विचार करो, पाप कहां होंगे? सबसे बड़ा पाप जानते क्या है? एक बहुत अच्छे महात्मा हुए, उनका नाम था भोले बाबा, थे आलू बाबा के शिष्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा वेदांत छंदावली, पहले 5 भागों में था, पढ़ने लायक है, बेजोड़ ग्रंथ है, सारे उपनिषदों का पुराणों का बाबा ने सार लिखा है उसमें। मैं जब छोटे में था तो हमको तो पता नहीं था, पुराण वाण तो पढ़े नहीं थे, वो बाबा की बात पढ़ा करता था। वो हमारे यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज घनश्यामी महाराज, उनके यहाँ वो कैसेट बजती थी, हम सोचे बहुत बढ़िया है, तो फिर हमने ग्रंथ मंगा के पढ़ा, तो पुराणों में जो अच्छे अच्छे गीत हैं उनको हिंदी अनुवाद कर दिया उन्होंने। तो सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा पापी जानते हो कौन है? देह को मैं मानना
ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पुत्रों का ये बाप है। जिस दिन आपने अपने को मान लिया कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हो ही नहीं सकता हूं, किसी भी दृष्टि से कोई शरीर नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, कार में बैठने के बाद आप कार बनते हो? अच्छा, घर में रहने के बाद आप घर बनते हो? मैं घर हूं, हम आपसे पूछते थे शरीर मानते हो आपको अपने को, तो शरीर में क्या बाल हो? तो कहोगे बाल हमारे हैं। आप नाक हो, कान हो, जीभ हो, पेट हो, क्या हो? कहोगे जीभ पेट शरीर का पेट है, हम पेट नहीं है। पैर हो आप? ये विवेक करो कि हम क्या हैं। हम आकाश हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, जल है, पृथ्वी है, पंचतन मात्राएं हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। और एक सिद्धांत बनाकर चिंतन करना, जो जानने में आता है वो मैं नहीं होता है। जानने वाली वस्तु कभी भी जो जानकारी में आती है वो मैं नहीं हो सकती। माइक ये है, माइक मैं जानता हूं, ये मेरे से अलग है। जिसको मैं जानूंगा वो मेरे से अलग है। अब इससे सीधी बात मैं आपको और कुछ बता नहीं सकता हूं। इसमें किसी को श्रद्धा की जरूरत नहीं अभी है। श्रद्धा की जरूरत तो तब होगी जब मैं कहूंगा कि जो जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, जिस ब्रह्म का, वो तुम हो। इसमें श्रद्धा की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, इस समय आप लोग यहां बैठे हो, मैं हूं, इसमें ये मानने के लिए क्या जरूरत है? कोई नकार सकता है कि मैं नहीं हूं? हाँ आप हो क्या, ये इसमें गड़बड़ हो सकता है। कोई कहेगा मैं स्त्री हूं, कोई कहेगा मैं पुरुष हूं, कोई कहेगा मैं बालक हूं, कोई कहेगा मैं बालिका हूं, मैं हूं। अच्छा कमाल की बात आपको बताएं, विलक्षण बात बता रहा हूं आपको व्याकरण संबंधी के, तो ये कितना वेदांत संबंध ज्ञान है। मैं जो क्रिया है, करता है, मैं ये स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, मैं केवल मैं अहम। आप बताइए क्या है? केवल मैं, शुद्ध मैं हूं। इसके साथ जो अहम का प्रयोग है, ये क्रियाओं का जो परिवर्तन होता है ना, ये मान्यता के आधार पर है। अब किसी ने मान लिया कि मैं स्त्री हूं तो उसको कहना पड़ेगा मैं जाती हूं, पुरुष मैं जाता हूं। ये जो क्रिया का परिवर्तन हुआ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, इसमें मैं का परिवर्तन हुआ क्या? अच्छा एक बात का भी विचार करो, अंधेरा है, लगा कि कोई खड़ा है और अपना परिचित व्यक्ति, मानो हमारी बेटी खड़ी है, ये बच्ची खड़ी है, तो अंधेरे में पूछूं मैं कौन कौन हो, ये कहेगी मैं हूं। नाम भी नहीं बताए क्योंकि उसको पता है परिचय हमारा, मैं हूं। अज्ञानी हो तो बताएगा भाई मेरा नाम ये है, मैं ये हूं। तो ये जो मैं हूं, अच्छा मैं नाम किसने रखा है तुम्हारा? ये जितने यहां आप लोग बैठे हो, किसी के सबके नाम रखे, किसी को मम्मी ने रखा, किसी का पापा ने रखा, और किसी का बुआ ने रखा है, बुआ भी नाम रखती है आजकल, पड़ोसी ने रख दिया होगा, पंडित जी ने रख दिया होगा, तुम्हारे इतने सारे नाम है, किंतु ये मैं नाम किसने रखा है? कोई बता दो हमारा इसने रखा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ये जो मैं की ध्वनि आती, ये आत्मा है, और केवल हूं मात्र है, सत्ता मात्र है। अब हमने तो ऐसा झमेला जोड़ लिया, ऐसा झमेला जोड़ लिया, आपको क्या कहें? हमको पहले भ्रांति होती थी, जब गुरुजनों सुनते थे ना, जो वेदांत विश्व गुरुजनों की विद्या है, उन्हीं की दी हुई, तो मुझे लगता था कि कार में बैठने के बाद व्यक्ति कार तो नहीं बनता है,
शरीर में तो बैठने के बाद शरीर नहीं बनता है, किंतु कार और शरीर में तो बहुत फर्क है। मैं छोटे ही सोचा करता है, यहाँ कोई छूता है तो पता चलता है, कार को कोई छूता है तो कहाँ पता चलता है अपने को, या हमारे कोई स्पर्श करे तो पता चलेगा किसने छू लिया, कार को कोई पीछे छुए तो पता चलेगा अपने को। वैसी बुद्धि लगाया करता था बैठे बैठे, फिर सोचते थे अरे यहाँ तो सर्दी भी लगती है गर्मी भी लगती है, वो कार में थोड़ी गर्मी और सर्दी लगती है, तो कार हम कैसे हो सकते हैं। मैं बचपन में सोचता जैसे गुरु जी बताते थे ना, तो मैं डर के मारे पूछता तो नहीं था कि डांट पड़ेगी अभी, क्योंकि बुद्धि छोटी है, तर्क भी हमारे कुतर्क होंगे, तो बैठे बैठे सोचता था ऐसे कैसे हो सकता है। ये कार और शरीर में तो बहुत फर्क है, निश्चित फर्क है। और ये शरीर की जो बात कहते हैं कपड़ा और शरीर में, कपड़ा जैसा थोड़ी शरीर है, शरीर तो अलग है, मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है। एक दिन क्या हुआ, सच्ची घटना बता रहा हूं, कि किसी भगत ने बहुत महंगी कार ली, भारत के बहुत प्रसिद्ध परिवार हिंदुजा परिवार में, हमारे महाराज जी पर उनकी निष्ठा थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, हमारी कार पर पवित्र हो जाएगी। तो मैं बैठ गया, वो ड्राइवर चला रहा था, पीछे वो सज्जन बैठे थे, और वो नई नई कार थी, बहुत लंबी कार थी, ड्राइवर को भी अभ्यास नहीं, वो एक जगह मोड़ने लगा तो उसमें खरोच आ गई। अब आपको क्या बताएं, वो व्यक्ति इतना तिलमिला गया खरोच की वजह से, उतर कर ड्राइवर को मारने लगा, अरबपति आदमी, और हमको लगा कि शायद भर में इसी को खरोच आई है, कार को नहीं आई। फिर मैं बैठे बैठे सोचने लगा, अपने तो खोपड़ी ऐसे चलती है, मैंने कहा श्रमणा न, दोनों बैठे थे कार में, उसको इतनी बेचैनी हो रही, अपने हो ही नहीं रही कुछ, हमको भी कष्ट होना चाहिए, खरोच आई तो, और ये तो इतना बेचारा आपे से खो दिया, ड्राइवर को भी हटा दिया, फिर तू नौकरी में रहने लायक नहीं है, लाल पीला हो रहा था, फिर वो स्वयं चला के लाए, मेरी खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना बेचैन क्यों है और मेरे को कुछ कष्ट क्यों नहीं है, कार में दोनों थे, इसको हो रही बेचैनी तो मुझे भी होनी चाहिए। तो जैसे आ करके बैठे, तभी हमने कहा शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फिर हमने पूछा, हमने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे वैसे गुरु भाई थे वो, क्या समझ में नहीं आ रही महाराज जी। हमने कहा कि आप इतने लाल पीले हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ खरोच में। उन्होंने कहा आपने कभी गाड़ी खरीदी है, हमने कहा सो तो नहीं खरीदी। बोले जिस दिन आप महंगी कार खरीदोगे और खरोच आएगी, उस दिन आपको भी ऐसे ही होगा जैसे मेरे को हो रहा है। फिर हम सोचे कैसे होगा हमको ऐसे, फिर बाद में समझ में आया कि इसको इस कार के प्रति अटैचमेंट है, अपने मैं को और मेरे को इस कार से जोड़ दिया उसने। तो हमको लगा जैसे इसने मैं और मेरे को अपने कार से जोड़ दिया, तो कार का सुख दुख इसको ये सुख दुख लग रहा है, तो हमने भी अपने शरीर के साथ जो मैं जोड़ दिया है, जिस दिन इस शरीर के साथ मैं हटा लेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। और हमने बाद में ऐसे महात्माओं को देखा जो भयंकर रोग हैं किंतु इतने मौज में है, वो डॉक्टरों को लगता है कि कैसे सह रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसने अपने मैं को निकाल दिया है। जैसे कार में रह करके आप अपने मैं को निकाल लेते हो, मेरा को निकाल लेते हो, ऐसे शरीर को भी अभ्यास से अपने मैं को निकालो इससे, और संसार को मेरे से निकालो, आप रहो सबके साथ, जियो सबके साथ, उठो बैठो सबके साथ, किंतु किसी के साथ मैं और मेरे का संबंध न रखो। आप शरीर मैं नहीं है, संसार मेरा नहीं है। जो पाठ मिला है इसको, शरीर को प्रारब्ध शरीर का है। मैं तो आपको एक निवेदन और कर दूं, मेरे को तो कोई प्रारब्ध नाम की चिड़िया भी समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं शास्त्र में समझाने के लिए, प्रारब्ध का भोग है, ये अमुक भोग है, ये अमुक भोग है। मैं मुस्कुराता रहता हूं किंतु अंदर से मेरी स्वीकृति नहीं होती प्रारब्ध की।
आप कहोगे क्यों नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। मुझे लगता है कि प्रारब्ध भी किसका है, किसका प्रारब्ध है? आत्मा का प्रारब्ध हो नहीं सकता है, शरीर का प्रारब्ध हो नहीं सकता है। ये शरीर पांच भौतिक है, जिस शरीर का तुम प्रारब्ध मानोगे कि इसका प्रारब्ध है, ये तो जिस कुल में जिस मर्यादा में पैदा हुए हो कहीं जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, इसका क्या प्रारब्ध है? ये प्रारब्ध आदि की मान्यता भी मन तक ही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनयो मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो, और मन नाम की भी कोई चीज नहीं है। बड़े मजेदार मामला है, एक शास्त्र भी ऐसा खेल खेलते सबको सबको पूरा कहे ये खेल उसने किया उसने किया उसने किया उसने किया उसने किया, आप जब वहां पहुंचोगे तो वो है ही नहीं है। ये केवल अज्ञानता जन्य खेल है। और आप अगर इस रस को लेने लोगोगे, मैं आपको सच कहता हूं इतना रसीला जीवन है, ना कोई टेंशन है, ना कोई भय है, ना कोई संकोच है। थोड़ी देर के लिए जैसे कोई कहता है कुछ, हाँ ठीक हो रहा है। आपको बताएं भगवान कृपा करे आप सत्संग में रहते हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं आपकी लगन पक्की हो और आप इस रस का आनंद ले सको। केवल वाचिक नहीं, आपका हार्दिक हो जाए, और हार्दिक हो जाएगा तो आपको इतना रस मिलेगा। मैं एक देवी भागवत की छोटी सी कथा सुना करके इस सत्संग सत्र को भी यहाँ विश्राम देंगे, आप लोग तो करते रहेंगे। नारद जी भगवान नारायण के पास गए और कुछ सत्संग की चर्चा पूछ रहे थे। उस सत्संग में चर्चा चली कि महाराज दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट पा रहे हैं, और आप तो यहां सोते रहते हो कोमल कोमल बिस्तर में से सैया सो रहे हो मस्ती से, और बढ़िया घर वाली पैर दबा रही है, तुमको तो परवाह किसी की है नहीं। दुनिया के लोग बहुत दुखी हैं। नारद जी ने जब ऐसे कहा तो भगवान ने कहा कि सब माया के कारण दुखी है, इसमें मेरा दोष क्या है? तो बोले माया महाराज है क्या, माया किसका नाम है? बोले देखना चाहते हो माया, चलो दिखाता हूं। तो भगवान गरुड़ पर उनको बैठा लिए और गरुड़ पर बैठते बहुत दूर हिमालय के पास गए, बहुत नगर बस्तियां मिली सब, वहां उनका बगीचा था बहुत सुंदर, एक सरोवर था। तो वहां भगवान उतरे और कहा नारद ये बहुत पुण्य का सरोवर है, मान सरोवर इसका नाम है, और इसमें नहाने से बहुत पुण्य मिलता है और नहाने से व्यक्ति माया से दूर हो जाता है, माया मुक्त हो जाता है, तीर्थ है भाई, पाप से तर जाता है। तो नारद जी को बड़ी श्रद्धा हो, बड़ी महात्मा थे, उन्होंने कहा महाराज ये हमारी मेहना पकड़ो, मृग चर्म लपेटे तो बोले मृग चर्म पकड़ो, मैं अभी डुबकी लगा के आता हूँ। और सरोवर जो डुबकी लगाए लड़की बन गए, अब इतने सुंदर लड़की बन गए वो, और भगवान खड़े से देखा और भगवान भी चल पड़े, जल से निकल कर आ नहीं पाए, मृग चर्म लेकर वीणा लेकर चले गए भगवान। हमको लगा कि अरे ये कमाल का है, गद है कि हमको लड़की बना दिया और चले गए। उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद ये भी भूल गए कि वो नारद हैं। अब बाहर निकल कर आए नारद जी, बड़े खोजल अकेले जंगल, पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ मैं, कौन हूँ, मेरे बाप कौन, माँ कौन, कुछ पता नहीं उनको, बड़े संकोच में थे। तब तक वहां सरोवर में एक राजा आ गया, शिकार खेलते खेलते पानी पीने आया था, तो राजा आ गया, उसका नाम तालक ध्वज था, बड़ा प्रसिद्ध राजा था। उसने कहा देवी जी कौन हो? बोले मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तो यहां कैसे आई? बोले ये भी पता नहीं, कहां जाओगी? बोले ये भी पता नहीं।
तो कहा अच्छा मेरे साथ ब्याह करो, कर लो। तालब दोष से नारद जी ने ब्याह कर लिया और वो ब्याह करके राजा के साथ चले गए। राजा बहुत उनको प्रेम करते थे, महलों में ले गए सारी सुख सुविधा, और वो वहाँ पर विहार कर रहे हैं और उनके दिमाग में है कि पति परमेश्वर होता है, पति की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, तो उसको ईश्वर भाव से रात तालक ध्वज को प्रेम कर रहे। धीरे धीरे एक एक साल में 8 बच्चे हो गए नारद जी को, 8 बच्चे हो गए। बड़ी खुश हो महाराज, नारद जी तो बड़े खुश हो, तालक ध्वज खुश। उसके बाद उनके बच्चों के बच्चे हो गए और बच्चों के बच्चे हो गए। बाद में पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, तो वो जो 8 बच्चे थे अभी तो सासू माँ बन गई थी, नारद जी सासू माँ बन गए थे। अब वो बच्चे गए थे महाराज सब युद्ध करने, उमर गए, वीर गति को प्राप्त हो। अब वीर गति को प्राप्त हुए तो इतना नारद वो माता जी जो बनी थी रानी जी महारानी, अब तो खूब रोए छाती पीट पीट करके वहां, हाय हाय मेरा वो बच्चा बहुत अच्छा था, इतना प्यारा था, इतना दुलारा था, और मेरे को प्रणाम करके गया था कि माँ मैं जा रहा हूँ युद्ध करके अभी आता हूँ, वो मर गया, उसकी बहू कैसे जिंदा रहेगी, उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। सासू माँ की खोपड़ी में तो पूरा होता है ना संसार, वो सबकी चिंता उनकी होती, पोतों की भी, नाती की भी, पति की, लगता पूरा संसार की मालकिनी सासू माँ ही है। अगर ये मर जाएंगी सासू माँ तो सारा संसार ही मर जाएगा। अब सासू माँ तो सासू माँ ठहरी, अब वो बन करके सासू माँ उसमें लगी थी। अब संयोग से क्या रोए बेमूर्छित हो जाए, वो तालक ध्वज बेचारा पानी मार मार कर उनको कहे कि उठो उठो समझाओ, तब तक वो एक ब्राह्मण वो भगवान ही एक पंडित जी बन के आ गए। तो रोने लगी, महाराज हमारा तो सब संसार नष्ट हो गया। तो बोले कि देखो अभी बहुत दुखी हो, मेरे साथ चलो। राजा भी गए, कहा चलो तो तीर्थ में ले चलते हैं, वहाँ तीर्थ में सत्संग करेंगे। और वहाँ लेके पंडित जी गए तो कहा डुबकी लगाओ, उसके बाद थोड़ा सत्संग की चर्चा होगी। डुबकी लगाए तो नारद जी बन गए। अब नारद जी बन के आ गए और उनको अब सब याद रहा कि ये क्या हुआ है। अब संयोग से वो तो भगवान वहाँ लिए बीड़ा खड़े थे, बीड़ा और उनका मृग चर्म का पहनो बीड़ा दिया, तब तक वो ताल तो राजा रोने लगा। बोले महाराज मेरी घरवाली डुबकी लगाने गई थी, निकल के नहीं आई, अब वो उसको बुलाओ, मैं तो यहाँ मर जाऊँगा, बच्चे तो मर ही गए, वो एक सती पत्नी थी, उसके बगैर तो मैं जीवित नहीं। नारद जी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। नारद जी को फिर याद आया कि मैं ही तो हूँ उसकी। अब वो भगवान के पास जा कर के बोले कि महाराज मैं हूँ कौन, मुझे बताओ तो सही, ये सब इतना झमेला कि डुबकी लगाने मात्र में इतनी देर हो गया, ये सारा का सारा झमेला, पत्नी भी बन गए, बच्चे भी बन गए, नाती भी हो गए, पोते भी हो। अच्छा एक बात बताओ, स्वप्न देखते हो तो इतना बड़ा संसार बाप बनने में तुमको कितने साल लगते हैं? अरे एक आध घंटे का स्वप्न होता है, उसमें सब दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता? कोई हम 12 साल सोते हैं क्या कि भी बच्चा अब ब्याह के योग के बच्चा बनता है स्वप्न में, तो क्या उसमें 20 साल लगते हैं? चुटकी में सब काम हो जाता है, जैसे वो काम होता। नारद जी बोले महाराज मुक्त करो, मैं तो परेशान हूं, अब मैं तो नारद जी उसको कैसे गले लगाऊं जाकर के और कैसे समझाऊं कि तुम्हारा कोई नहीं था, मैं तो नारद जी हूं, ये हम लोग स्वप्न देख रहे थे। भगवान ने मुस्करा कर कहा इसी का नाम माया, ये है कुछ नहीं और जो दिखाई दे सब कुछ उसी का नाम माया है। अब ना कोई संबंध है ना कोई संबंधी, अभी बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। आप लोग कहोगे कमाल की बात है, हम डूंगरगढ़ से आए थे, हमारी पत्नी भी साथ आई थी, पति भी साथ आ रहा, ये कह रहे कोई है ही नहीं, इनकी बात मानो कि मैं अपने अनुभव की बात मानूं, बस में बैठ करके आए हम लोग, ये अनुभव की बात आपकी गलत है, ये शास्त्र की बात प्रमाणिक है, ये सब काल्पनिक है। इसलिए अगर ये समझ में आपको आ जाए, चाहे श्रद्धा, मैं तो कहूँगा अगर पैसे से खरीदी जाती है तो श्रद्धा खरीद लो, श्रद्धा बनाओ,
और श्रद्धा नहीं बनी तो जन्म जन्म मरना, बार बार मरोगे, अनुभव होगा कि मर गया, जलोगे, तुम क्या? जरा विचार करो, कथा से आप सब परिचित हो, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। दक्ष की बेटी, दक्ष माने होता कुशल व्यक्ति, नाम सती, और भगवान शंकर की घरवाली जो साक्षात विश्वास के स्वरूप है, अविश्वास उनके जीवन में नहीं है। अब वो गई सत्संग करने, वो तो नारद अपने गए तो भगवान शंकर साथ में चली गई। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते, एक बार त्रेता युग माही संभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाई। भ्रांति हो गई। अधिकतर तो होता क्या है कि वक्ता को लोग पूछते हैं, श्रोता लोग, यहां वक्ता ने ही श्रोता को पूजा, भगवान शंकर को पूजा, भगवती पार्वती को, सती को पूजा। अब कथा चलने लगी, सती सोचती थी इनसे क्या कथा सुनना है, ये तो हमारी पूजा करते, छोटे हमसे, ये पता नहीं हमारे पति का क्या खिसक गया है, ये बाबा जी के पास कथा सुनने आया है, ऐसे बैठ के कथा सुनना है। कथा में तो बैठी किंतु उनमें कथा ही नहीं बैठी। कई बार हम सत्संग में तो बैठते हैं कि तो सत्संग हमारे में नहीं बैठता है, और जैसे सत्संग से भगवान निकले शंकर, त्रेता युग था और वही काल था जब पिताजी ने वनवास दे दिया था राम जी को, और जानकी का अपहरण हो गया था, तो रोने लगे, रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान ने सोचा कि अभी अगर प्रणाम करने जाएंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी, लोग जान जाएंगे भगवान अभिनय कर रहे हैं। भगवान ने मन ही मन कहा कि बच्चू, अगर हम नहीं चाहेंगे तुम्हारी घरवाली तुम्हारे कहने पर भी नहीं मानेगी, तुम्हारे प्रणाम करने से कुछ नहीं होता। भगवान शंकर ने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज न सावन, और जय हो सच्चिदानंद जी महाराज की, आप तो काम को जलाने वाले हो। माता जी सोचने लगी किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, हमको तो एक भी नहीं दिख रहा है, अगर इनमें आनंद होता तो रोते काहे को, आनंद वाला व्यक्ति रोता है, आनंद देता, हंसता है, ये तो रो रहे हैं। और चित यदि ज्ञान होता तो इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वृक्ष नहीं बताते पता, अब किसी की कोई वस्तु खो जाए और अलमारी से कहे, अलमारी जी हमारा कंगन देखा है क्या, तुम्हारे में तो नहीं, खोज के दे दो। जैसे आप लोग हंस गए ना तैसे घरवाले हंसेंगे कि अलमारी कहीं बताती है, तो कम से कम सामान्य व्यक्ति को तो पता रहता है कि अलमारी नहीं बताएगी। अगर ये चित स्वरूप होते तो वृक्षों से क्यों पूछते, ये चित भी नहीं है। अब रही बात सत की, तो ये सत होते अगर तो निश्चित रूप से असत संसार में रोते क्यों, ये न सत है न चित है न आनंद है। भगवान शंकर को कहा कि आपकी गड़बड़ी हो गई है, बोले नहीं हमारी बात मानो, भगवान साक्षात परमात्मा है, सच्चिदानंद है। बोले हम कैसे मान लें, बहुत सारे सत्संग के तर्क दिए कि मानी नहीं है, नहीं माने तो कहा जाओ परीक्षा लो भाई, परीक्षा ले लो कि परमात्मा है कि नहीं। ध्यान रखना, संसार परीक्षा से पहचाना जा सकता है, परमात्मा परीक्षा से नहीं पहचाना जा सकता। परमात्मा की समीक्षा की जरूरत है, परीक्षा की जरूरत है। परमात्मा को जानना है तो समीक्षा करो, परीक्षा नहीं। और मां गई थी परीक्षा करने, फिर जब जल गई, बाद में कहानी से आप सब परिचित हो, हिमालय की बेटी होकर के आई। जिस दिन हिमालय की बेटी होकर के आई उस दिन भगवान को जान पाई। श्रद्धा हमारी हिमालय की बेटी होनी चाहिए, दक्ष की बेटी नहीं।
अगर दक्ष की बेटी होगी तो तत्व को नहीं पहचान पाएगी, हिमालय की बेटी, हिमालय की बेटी मानी जो हिले नहीं, हमारी श्रद्धा ही हिलने वाली है, हमारे मन की बात हो जाए तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो मन की बात न हो या आपकी मान्यता की बात न हो तो आपकी श्रद्धा सब रखो चक्कर, ये श्रद्धा है कि आपकी क्या है भगवान जाने, इस श्रद्धा से तो संसार के संबंध भी नहीं चलेंगे, इस श्रद्धा से संसार के संबंध चलेंगे, परमात्मा के संबंध की तो बात छोड़ दो, ऐसी श्रद्धा हो कि मन वाली श्रद्धा हो तो कोई भी व्यक्ति, आप लोग सब अनुभवी हो, पोल पट्टी खुलवाऊंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, एक भी व्यक्ति हमको आज तक नहीं मिला, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जो पूर्ण रूप से अपने से संतुष्ट हो दूसरे से, या सदा उसकी बात उसका पति मानता हो या पत्नी मानती हो, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, कभी अनुकूल व्यवहार होता है कभी प्रतिकूल व्यवहार होता है, कभी लाड़ भी लड़ाया जाता है कभी हाथ भी उठा देते हैं गाली भी दे देते हैं, तो ये तो बदलने वाला संसार है, तो अगर बदलने वाले संसार में भी आप श्रद्धा को डगमगाते रहो विश्वास को डगमगाते रहो तो कहीं संबंध टिकाऊ रह पाएंगे, अगर कोई पति नाराज हो तो पत्नी कह दे हमको नहीं रहना सर तलाक देना, तुम तो नाराज होते रहते हो, किंतु अगर उसको विश्वास होता है कि आज नाराज है कल खुश हो जाएंगे तलाक मांगेंगी, ये तो विश्वास है, ये तो होता रहता है, तो व्यवहार में यदि आप विश्वास के माध्यम से व्यवहार चला लेते हो तो अध्यात्म में तो विश्वास और श्रद्धा की परम आवश्यकता है, ये जितने सत्संग है जितना भजन पूजन है ये परमात्मा को पाने के लिए नहीं है, परमात्मा तो दूर हो तो पाया जा सके उस पर चला जा सके, कहीं दूर हो तो चलकर चले जाओ, किंतु जो अपने हो वहां कहां कैसे पाओगे, उसको जानने के लिए केवल एकमात्र है आपके गुरुजनों पर श्रद्धा हो, और कह दे वेद में वर्णन है तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम तत्व ही हो, तत्त्वम आसि, तत् माने वह परमात्मा जिसका भी हम वर्णन कर रहे थे, वह तुम ही हो, इसको जानने के लिए मानने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, और ये श्रद्धा चाहे साधन से चाहे भजन से चाहे जप से चाहे सेवा से आपको जैसे बन सके, आप यदि शरीर प्रधान है निष्काम सेवा करिए, निष्काम सेवा माने किसी प्रकार की कामना ना हो, किसी प्रकार की कामना, कई बार सबको लगता है कि हम धन नहीं चाहते तो हम निष्काम हो गए, आप सम्मान चाहते हो तब भी सब निष्काम नहीं हो, कल अभी मैं किसी को कह रहा था कि जो कुछ भी बनना चाहता है वो कभी सेवक नहीं बन सकता, कुछ बनने का मन है ना, सेवक भी बनने का मन हो कि हमको लोग सेवक समझें, ये भी मन हो गए, हमें कुछ कामना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वायु कभी इस ढंग से बहता है कि लोग हमको जीवन समझें? कभी नहीं बहता, वो तो सहज बह रहा है। अच्छा सूर्य कभी उदित होता है इसलिए कि लोग हमको समझें कि हम प्रकाश दे रहे हैं? वो किसी को समझाने के लिए उदित नहीं होता है, ये प्रकृति में ऐसी चीजें हैं, तो हम इतने स्वार्थी हो गए कि बिना कुछ कामना के कुछ करने वाले नहीं है। आपके चित्त में अगर कोई कामना हो तो एक कामना रख लो बिना कामना के, कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, ये सेवा है, हम उस श्रद्धा को धारण करने वाली वृत्ति बन सकें इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, इस कामना में सारी कामनाएं आ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, जब कामना बड़ी होती सहन शक्ति बढ़ जाती, तो निष्काम सेवा और फिर परमात्मा से प्रेम, ये मिटने वाले बिछुड़ने वाले छूटने वाले से प्रेम नहीं, अपना दिल परमात्मा से जोड़ो, कोई आकार में जोड़ लो,
तो नाम में जोड़ लो, रूप में जोड़ लो, जो भी, वो ऐसा नहीं कि बिछुड़ने वाला नहीं, मरने वाला नहीं। ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए को बाल दू जैसे चुड़रो अमर हो। ये प्रेम का संबंध यदि बनाना है तो परमात्मा से, और जानने की कुछ इच्छा हो, हमारे में सब कुछ, किसी व्यक्ति को जानना मत चाहो, भगवान को जानना चाहो, अपने को जानना चाहो। हमको दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, तुम्हारा क्या परिचय है, इसकी बहू कौन, इसका बेटा कौन, इसका ये कौन, इसका वो कौन, ये सब जानने की प्रयास मत करो। हम कौन है ये जानो, क्योंकि जब समय आप अपने को जान जाओगे तो सबको जान जाओगे। अपने को जानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ। अगर इस प्रकार की वृत्ति आपकी बनती है तो निश्चित रूप से आप उस परम तत्व को, उस परम विज्ञान को, जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं, वह तत्व आपके करतल आमलक समान होगा। इसलिए खोज अपनी करो, सेवा दूसरों की करो। खोज अपनी और सेवा दूसरों की, सेवा बहुत बड़ा सदगुण है। और बिन कामना, बिना शर्त, इस दुनिया में सबसे बड़ा सेवक परमात्मा है, और तो सब स्वामी है, सबसे बड़ा सेवक परमात्मा है। और परमात्मा बिना कामना की सेवा करता है। हमारा कोई भजन करे इसकी भी कामना नहीं, हमको कोई माने इसकी भी कामना नहीं, हमको कोई जाने इसकी भी कामना नहीं है। अगर इसकी कामना हो तो नास्तिक बेचारे मर जाते, कौन भोजन देता। उनकी भी सेवा भगवान करता है। तो हम कोई गुण धर्म देखकर नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, इससे मिलेगा क्या, आप तो केवल सेवा करो, और सेवा ही आपके जीवन में आपको अपने से मिला देगी। और ये भगवत कृपा से आप लोग भाग्यशाली हो। शायद मैं इतना खुल्लम खुल्ला दूसरे के बोलता भी नहीं हूँ, भागवत की कथा करता हूँ, इतना खुल्लम खुल्ला सीधा सीधा नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सीधे के लोग आजकल अधिकारी हैं, उनको थोड़ा मसाले वाला भाला चाहिए। सीधा अगर लौकी उबाल कर खिलाए तो कोई खाएगा नहीं, ये हमारी माताएं थोड़ा गरम मसाला और डाल के छौंकों लगा के दे तो उंगली चाट के खा जाते। तो सीधी बात लेने के लिए योग्यता नहीं है लोगों की, तो नमक मसाला मिला करके बोलते रहते हैं। किंतु सारे प्रवचन का सार यही है, मैं 7 दिन जो भागवत सुनाऊंगा ना, उन सब का यदि सार हो तो ये 1 घंटे का प्रवचन, इससे ज्यादा कोई बात हम 7 दिन में सुना नहीं पाएंगे आप, इससे बड़ी बात कोई नहीं सुना पाएंगे। सब इसी के अंतर्गत, कभी ये दृष्टांत देकर, कभी वो दृष्टांत देकर, कभी सदाचार की चर्चा करके, कभी व्यवहार की चर्चा करके आपके सामने इसी तत्व को समझाना है। और सारे शास्त्र इसी की ओर आकर्षित करते हैं कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो, मुक्त हो। ये जितनी भी मान्यताएं आपके जीवन में दुखी होने की हैं, ये केवल अज्ञानता की हैं, नासमझी की हैं, अविवेक की हैं। आप अपने को पहचानो, अपनी चाहत को जानो, तो कभी आप आहत नहीं होगे। इसी प्रार्थना के साथ, जिनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।